हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा 2013 के एग्ज़ाम में कराया गया है, दोस्तों वो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि मैं आपको 2013 का पेपर क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर में देखा होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट 10 ईयर के आते हैं। अर्थात अगर आप पिछले 10 साल के प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा 2013 के एग्ज़ाम में कराया गया था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस पेपर का जो सिलेबस है वो है इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट्री। दोस्तों, ये पेपर जो है वो 3 खंडों में बटा है, खंड का, खंड खा और खंड गा। दोस्तों, जो खंड का होता है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं और इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको लगभग 50 वर्ड में लिखना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न खंड का में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज इकोटाइप, अर्थात इकोटाइप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिनेकोलॉजी, अर्थात सिनेकोलॉजी को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमस, अर्थात ह्यूमस क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूट्रॉफिक लेक, अर्थात यूट्रॉफिक लेक क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्मोग, अर्थात स्मोग क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज विंड ब्रेक, अर्थात विंड ब्रेक क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज झूम कल्टीवेशन, अर्थात झूम कल्टीवेशन क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज बायो एनर्जी, अर्थात जैव ऊर्जा क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज बीओडी, अर्थात बीओडी क्या है। नेक्स्ट है वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश 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 ईयर एवरी ईयर, अर्थात वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये है खंड का के प्रश्न। आइए अब चलते हैं खंड खा की तरफ। तो दोस्तों, खंड खा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के होते हैं और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न होता है उसको आपको लगभग 200 वर्ड में लिखना होता है। और इस खंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन करना है और दूसरा क्वेश्चन में एटमॉस्फियर अर्थात वायुमंडल के बारे में बताना है, अगर आपको वायुमंडल के बारे में अच्छे से आता है तो आप वायुमंडल के बारे में लिख लीजिए, अगर आपको वायुमंडल के बारे में नहीं अच्छे से आता है तो आप सॉयल प्रोफाइल अर्थात मृदा परिच्छेदिका के बारे में अच्छे से लिख लीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपको अगर ओजोन परत क्षरण के बारे में आता है तो आप इसको कीजिए, नहीं तो आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा सूची स्तंभ, इसके बारे में आपको लगभग 200 वर्ड में लिखना है, नहीं तो आप फूड वेब अर्थात खाद्य जाल के बारे में लगभग 200 वर्ड में लिख लीजिए। नेक्स्ट है एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षा, इसके बारे में आपको लगभग 200 वर्ड में लिखना है। अब दोस्तों, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन एयर, अर्थात स्वचालित वाहनों का वायु पर दुष्ट प्रभाव, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट अर्थात सदाबहार वन, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर अर्थात जल संरक्षण के बारे में लिखना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो खंड खा में पूछे गए हैं। अब दोस्तों, हम आ चुके हैं खंड गा में।
खंडका में जो प्रश्न होते हैं उनको आपको लगभग 500 वर्ड में लिखना होता है, और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का होता है, अर्थात खंडका जो है वो 15 नंबर का होता है। इसमें दोस्तों केवल आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट है, डिस्कस द नीड एंड मेजर्स ऑफ सॉयल कंजर्वेशन। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब सोशल फॉरेस्ट्री, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस टू विलेज पीपुल। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्लांट सक्सीसन, अर्थात पादप अनुक्रमण क्या है। डिस्क्राइब द सक्सीसन ऑफ प्लांट इन पॉन्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, अर्थात वाटर पोल्यूशन क्या है। डिस्क्राइब इट्स वेरियस सोर्स एंड देयर इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड मैन। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो 2013 बीएससी सेकंड ईयर बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।